अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, हनीफ जदून इनका नाम है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपके अंडर कितने स्कूल्स आते हैं? मैडम, मैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ जदून है। पूरे सिंध को हम लीड करते हैं, अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध। पूरे जितने भी सिंध के अंदर स्कूल की उनकी तर्जमानी करती है, सभी तर्जमानी करती है, लेकिन इस वक्त अलायंस के साथ जो नथी हैं वो कम अवेश 500 के लगभग स्कूल नथी हैं। अच्छा। और उन 500 को तो डायरेक्टली हम लीड करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जितने भी कराची और सिंध के अंदर स्कूल्स हैं वो हमारा हिस्सा हैं, और जहाँ जहाँ जामे दामे दरमे सखने जहाँ उनको जरूरत पड़ती है हम उनके मसाइल को हल करते हैं और उनके मसाइल पर बात करते हैं। किस तरह के मसाइल होते हैं मोस्टली जो है आपके पास, किस तरह के मसाइल आते हैं? देखिए, एक तो COVID-19 के बाद सबसे बड़ा मसला हमारे साथ ये रहा कि स्कूल सारे बंद कर दिए गए, बिल्कुल ऐसे, और जुल्म सितम रहा, और हमने इसमें भरपूर अंदाज में जितनी हम रेजिस्टेंस कर सकते थे गवर्नमेंट की, हमने उनको कोशिश की और उनको बावर कराने की कोशिश की कि सेहत और तालीम बुनियादी जरूरत होती है हुकूमत की, तालीम देना, और अगर आप इससे इनराफ करेंगे तो कौम के साथ मजाक करेंगे। और माजरे के साथ अभी तक कौम के साथ मजाक ही हो रहा है। अगर आप बजट को देखिए, 2% बजट, 2-2.5% बजट तालीम के लिए कुछ भी नहीं है। वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती हैं जो अपनी तालीम पर अपना खर्च नहीं करती और तालीम के जरिए से अपने बच्चों को आगे परवान नहीं चढ़ाती। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे जितने भी जमानतकार हैं, जितने अरबाब इख्तियार हैं, कोविड ने आपने क्या खदमात दी स्कूल्स को? कोविड ने हमने अपने स्कूलों से अप्रोचेस की, उनको बताया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरना मोस्टली स्कूल किराए की बिल्डिंगों पर मौजूद हैं, और उनके ओनर्स ने उनको तंग करना शुरू किया कि बिल्डिंग्स को खाली रेंट दें या खाली करें। तो ऐसी सूरत में अब जहां से जनरेशन, क्योंकि बच्चा हमारी जनरेशन है, वो फंड देता है, हमारा आने वाला कल है, और उस फंड के जरिए से हम सारे अखराजात पूरे करते हैं। लेकिन मामला ये रहा कि वो फंडिंग बंद हो गई, बच्चा बंद हो गया, बच्चा घर पर रुक गया, बिल्कुल रोक दिया गया, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते थे बच्चे बाहर निकले, तो उनको भी जी पेरेंट्स नहीं चाहते थे, और कोई हमारे पास फैसिलिटी भी नहीं थी, और इंटरनेट की फैसिलिटी भी मादर के साथ हमारे मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है जिस तरीके से मौजूद होना चाहिए, जिस तरीके से हमें फैसिलिट करना चाहिए बच्चों को, उस तरीके से हम फैसिलिट नहीं कर सके। गो के फॉरेन कंट्रीज के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस की, मुख्तलिफ किस्म के फंडिंग की, ताकि किसी तरीके से जो स्कूल जैसे ही COVID-19 के इख्तिताम पजीर नजदीक इख्तिताम पजीर हुआ, उन्होंने फंडिंग की और फंडिंग के जरिए से इन्हांस किया है अपने स्कूलों को, लेकिन हमारे यहाँ दबाया गया, और दबाने के बाद आज जो बच्चे की सूरत है हमारे साथ, इस साल जब से ये सिलसिला खत्म हुआ, बच्चा शुरू हुआ है, आप यकीन जानिए कि बच्चों की जहन की वो सूरत हाल थी जैसे एक आपके घर में तवा अगर आप इस्तेमाल ना करें तो जंग आलूद हो जाता है, और वो जंग खुरचना जो है बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। तो इस साल हमने बच्चों को जीरो से, ये भी कम टाइम पीरियड मिला हमें, अगर ज्यादा टाइम पीरियड मिलता तो इंशाल्लाह इस साल जो अब आने वाला साल है, हम अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे, या अल्लाह हमें ऐसी मूजी अमराज से बचा ले, या अल्लाह ये हमारे कौम का सरमाया है जो दो साल कौम का सरमाया जाया हुआ, उसका अजाला करने की हमें तौफीक दे, और हमारे हुक्मरानों को उसके लिए सोचने की तौफीक दे कि ये हमने कौम के बच्चों को जो तबाह कर दिया है इसको कैसे निकाला जाए, बजाय हम सोचते कि हम इन बच्चों को लेकर निकले, इन बच्चों के लिए क्लासेस लगाए, इन बच्चों के लिए कोई आउटडोर्स काम करें, वो हमारे यहाँ बहरहाल हमारे साथ नहीं हो सका। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने उनको उनसे रابطे किए, स्कूलों से रابطे किए, जहां मालकान प्रॉब्लम कर रहे थे उनसे रابطे करके उनको गाइड किया गया। खुदा, लेकिन ये तो आप कोविड की वो सारी सिचुएशन बता रहे हैं ना, अभी जो करंट सिचुएशन है अभी तो माहौल बहुत बेहतर हो गया है। जी, बहुत बेहतर, चीजें नॉर्मल होना शुरू, नॉर्मल की तरफ आ गई हैं, तकरीबन हो चुकी हैं, हो गई हैं, तकरीबन हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जो है बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं? अब मसाइल ये हैं
कि जो बच्चों जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अब बिजली के बिल हैं वो बढ़ गए हैं, पहले से भी बड़े होते हैं, पहले टैरिफ कुछ था अब टैरिफ कुछ है, लाइट आ नहीं रही है, और अभी मौजूदा जस्ट अभी खत्म हुए हैं कल परसों मैट्रिक के इम्तिहान कराची के, और इन मैट्रिक के इम्तिहान में कई बच्चों को बेहोशी का भी रابطہ कर बेहोश भी हुए, मतलब वहाँ लाइट नहीं थी, लाइट ना होने की वजह से उनके सेंटरों में पसीने से शराबूर, जो गर्मी है, गर्मी का हाल है वो आपके सामने है, पसीने से शराबूर वो बच्चे हुए, और उस वो पसीना उनके पेपरों पर भी टपका और उसके पेपर्स के भी सत्यानाश हुए। तो हमने यहाँ इल्तिजा की थी कम अज कम सेंटरों के अंदर जो है ऐसा काम ना करें, कम अज कम वहाँ बिजली प्रोवाइड करें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करने के लिए वो तैयार नहीं है, प्रैक्टिकली जो काम करने चाहिए वो हो नहीं सके। तो बहरहाल इसी गर्मी के अंदर और इसी लोड शेडिंग के अंदर हमारे इन स्कूलों को, हमारे इन बच्चों को वास्ता पड़ा, और बहरहाल वो वास्ता भी इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन हमें सोचना चाहिए और हमारी सियासी हुकूमतें जो भी हैं, जहाँ जहाँ जिस सूबे के अंदर और जिस मुल्क के अंदर जो जो भी इस वक्त मौजूद हैं, उनको सोचना चाहिए। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपको हुकूमत से शिकायत है। मैडम शिकायत तो है ना, अभी देखिए पेट्रोल का बम गिरा दिया, पेट्रोल पंप के साथ घी का बम गिरा दिया, घी के साथ जो है सारी इंडस्ट्री का बम गिरा दिया, अब गैस का भी सुनने में आ रहा है कि उसका बम भी गिराने जा रहे हैं, और फिर अच्छा ये पेट्रोल पंप एक दफा नहीं गिरा, दो दफा बम गिराया गया, और अब भी सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख को फिर एक बम गिरने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम मिलकर, और हुकूमत को चाहिए कि जो उनके लल्ले तलल्ले उन्होंने अपने लगाए हुए हैं, उन लल्लों तलल्लों को खत्म करें, जो अपने पेट्रोल फ्री अपने रेट्स जो बता रहे हैं, जी जी अपने पेट्रोल फ्री रखे हुए हैं, जजेस ने रखे हुए हैं, हुकूमत के साहूकारों ने रखे हुए हैं, उनको खत्म किया जाए, और उनको खत्म करेंगे तो बहुत सारे सेफ साइड पर हम आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारी कंजम्पशन 10,000 लीटर पर डे है, तो वो 10,000 लीटर से 2,000-4,000 पर भी आ सकती है, जब 4,000 लीटर पर आएगी तो हमारे बहुत सारी चीजें कट डाउन होंगी, और जब कट डाउन होगी तो हम माशी तौर पर माशी बहरान आ जाएगा, और हर तरफ जो है महंगाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। लेकिन अभी आपको क्या लगता है, अभी नून लीग की हुकूमत है, पहले जो है खान साहब थे तो उनकी भी हुकूमत में महंगाई थी, ये लोग कहते थे खान साहब जो है वो महंगाई करते हैं, लेकिन अब इस बारे में क्या कहेंगे, अब तो उससे डबल ट्रिपल रेट्स जा रहे हैं। देखें जी, खान साहब भी जब आए तो वो नारा लेकर आए कि मईशत को कंट्रोल करेंगे, वो तो कंट्रोल नहीं। आपको पता है जो सियासत में आता है वो जी यही बोलता है, वो भी मईशत को कंट्रोल नहीं कर सके, वो भी IMF के सामने झुक गए, और ये इन लोगों ने, मैं तो कहता हूँ ये बड़े बेवकूफ लोग हैं, मुझे ये एक सियासी पार्टी की हुकूमत नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें नून लीग भी है, इसमें MQM भी है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, इन सब ने मिलकर ये हुकूमत बनाई है, और इनको पता था कि हुकूमत के हालात ठीक नहीं है, अगर हुकूमत ने एग्रीमेंट IMF से किए हुए चीजें बढ़ाने के, तो इन्होंने इस पंगे में क्यों हिस्सा लिया, इनको इस पंगे में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, आज इनकी साख मुतासर हो रही है। कल जो हम कहते थे कि दोनों पार्टियां चोर हैं, दोनों में PDM भी चोर है और ये भी चोर हैं, दोनों चोर हैं और दोनों ने मुल्क को लूटा है और दोनों अपने जाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं, वो सियासी पार्टी नहीं हो सकती कि जिसके बच्चे आज मैं अगर कोई सियासी लीडर हूं तो मेरे बच्चे कल मुस्तकबिल के वजीर आजम बने, तो वो सियासी पार्टी नहीं हो सकती, वो पार्टी सियासी हो सकती है। मुल्क में बहुत सारी सियासी पार्टियां, नजर दौड़ाइए और देखिए कौन सी पार्टी इस वक्त बेहतर काम कर सकती है। मैं तो आवाम से कहूंगा कि इससे सीखें, ये जो मरहला आपके सामने आया है, इससे सीखें। रिवाज चला आ रहा है जैसे सरदार का बेटा जो है वो सरदार ही बनेगा, जी जी। ये इन्होंने लिख दिया कि मतलब अगर कोई पार्टी ऐसी है तो उसी की औलाद बनेगी, उसी की औलाद बनेगी, और कोई PM बन नहीं सकता, नहीं बन सकता, इसको जी जी इसको कट डाउन करना चाहिए। और जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, इनके पास कोई भी मेरे हिसाब से जमहूरी एक जमात इस्लाम के अलावा कोई पार्टी यहाँ जमहूरी पार्टी नजर नहीं आती है। और जमात इस्लामी को ये लोग इसलिए लायक नहीं करते कि शायद उनके सर पर इनके पांव न पड़ जाएं, तो इसलिए बहरहाल जरूरत इस बात की है, मैं जमात इस्लामी की बात नहीं करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि जरूरत इस बात की कि उन लोगों को आगे लाया जाए जो इस मुल्क का मुस्तकबिल बन सके, उस मुल्क को संवार सके। आइंदा इलेक्शन के अंदर भी अगर इन्हीं लोगों को, भले इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट वालों को ले लें या राइट वालों को ले लें जो इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त चले गए हैं, वो इससे भी आइंदा अगर इमरान खान साहब भी आते हैं तो वो इससे बुरा हाल और करेंगे, इससे अच्छा हाल करने की तवक्को आप मत रखिए। मतलब आपको लगता है इन दोनों पार्टियों से बचा के पाकिस्तान को किसी नए तीसरे PM के पास जाना चाहिए? जी बिल्कुल, तीसरे के पास जाना चाहिए। तीसरे PM का चुनाव कैसे करें? वो जो इस वक्त तरीका कर इलेक्शन के जरिए हो सकता है, इसके अलावा तो मुल्क के अंदर, लेकिन इलेक्शन भी आपको पता है कराने के लिए इलेक्शन में आना तो भी तो चाहिए ना किसी को, कौन होगा इस कदर इनका कॉम्पिटिटर कि जो मतलब इनको बीट कर सके?
देखिए चीजें जनरेट की जाती हैं, चीजों को आगे लाया जाता है। जमा इस्लामी इस वक्त भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि आगे आए, लोगों को बताए। और कल जमा इस्लामी के यहाँ मेयर भी रहे हैं, मेयर अब्दुल्सार अफगानी, जिस आज दुनिया गवाह है कि उन्होंने शहर को चीजें दी। फिर उसके बाद नेमतुल्ला खान एडवोकेट या इस शहर कराची के मेयर रहे, उन्होंने डिलीवर किया। और उसके बाद आज जो शहर कराची की सूरत हाल है, उस सूरत हाल से कौन वाकिफ नहीं है कि इस वक्त जगह जगह कचरे कुंडियां और ये सारी चीजें मौजूद हैं, उनको कौन उठाने वाला है? लेकिन आप एक जनरली बात कर रहे हैं, न्यूट्रल होके आप जी किसी एक जमात को नहीं मैं किसी एक जमात को नहीं कह रहा हूँ। और इसके अलावा भी अगर कोई और नजर आता है, कोई बेहतर फर्द नजर आता है, तो हमें बेहतर अफराद का चुनाव करना चाहिए ताकि इस मुल्क का मुस्तकबिल बन सके। वरना 47 से लेकर आज तक हम यही सुनते आए हैं कि फलां या फलां ने बेहतर किया, लेकिन हर एक ने तबाही की तरफ ही इस मुल्क को लेकर गए। और आज तबाही के इस दाने पर है कि कल मुझे लगता है कि मलेशिया की सूरत हाल हमारे साथ ना हो जाए। अगर ये सूरत हाल हुई तो इन हुक्मरानों को गौर व फिक्र करनी चाहिए और आज सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क को उस तरफ धकेल चुके हैं। आईएमएफ के हम गिरवी रख चुके हैं, आपका स्टेट बैंक भी गिरवी, पिछली हुकूमत ने गिरवी रख दिया है, और आइंदा भी डिमांड हो रही है कि जो एटम बम आपने बनाए हुए हैं वो भी हमारे हवाले कर दो, वरना हम आपको एड नहीं देंगे। अभी पेट्रोल पंप की एड दी गई है और अब उसके बाद एटम बम पर ये लोग आने वाले हैं। तो मतलब तो आपको मुस्तकबिल क्या लग रहा है? मुस्तकबिल तबाह नजर आता है। तो लिहाजा मेरी आवाम से अपील है कि वो उठें और आइंदा बेहतर अपने मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि मैं अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर सोच सकता हूँ, आप अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर सोच सकती हैं। अब मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, उस मुस्तकबिल को बचाया जाए। और उस मुस्तकबिल को बचाने के लिए जितने भी जराए हैं, जो नेक लोग जहां नजर आते हैं, मैं किसी एक पार्टी का नाम लेकर बात नहीं करूंगा, जो जहां नेक लोग नजर आते हैं उनका इंतखाब अमल में लाएं ताकि एक बेहतर कियादत सामने आ सके और इस मुल्क का किसी तरीके से हाल बेहतर हो सके। तो यही बात आ जाती है कि जब नया पाकिस्तान बना था तब भी लोगों में बहुत जोश और एक बलबला था, और हमारी जो यूथ है उन्होंने बहुत साथ दिया खान साहब का। और अब जब दोबारा कह रहे हैं हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, पुराने पाकिस्तान में तो पहले से भी ज्यादा महंगाई हो गई है, बिल्कुल नो डाउट, डबल ट्रिपल हो चुके हैं, डबल ट्रिपल हो चुकी है। आप हर एक चीज की कीमत को उठाकर देख लीजिए। और ये दूसरी पिछली गवर्नमेंट इल्जाम लगाते हैं, जब पिछली गवर्नमेंट आप इल्जाम लगाते हैं तो आप 1.5 साल के लिए क्या करने आए थे? आपको पता तो था कि ये सूरत हाल उन्होंने जनरेट की हुई है। आपने तो जो आपकी साख थी आप उसको भी मुतासर करने आए, और आपको अगर नहीं पता था तो फिर आपसे बेवकूफ कोई भी नहीं था यहाँ पर। तो लिहाजा इन चीजों को छोड़िए और मुखलिसाना तौर पर मुखलिस लोगों को आगे लेकर आइए ताकि एक बेहतरी पैदा हो सके इस मुल्क के अंदर। तो इसके लिए अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम सड़कों पर निकल आए, क्या करे? धरने दे, या फिर इन्हीं लोगों को वोट बना देकर, मतलब इनको बनाया जाता है और उसके बाद जो है यही लोग अपने वादों से भी मुकरते हैं। आज जो है अवाम पिस रही है। मैं आपको देखिए, वोट एक बड़ी ताकत है, वोट आपके पास एक इमानत है, और वो इमानत का अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। आज तक वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, जब तक वोट का सही इस्तेमाल नहीं होगा उस वक्त तक जो है यही दरिंदे आते रहेंगे। तो ये इख्तियार आपके हाथ में है कि आप वोट डालते हैं, पर्ची आप किसके नाम पर डालते हैं। अगर आप बेहतर लोगों के जो जिनको आप जानते भी हैं, जिनको आप समझते भी हैं कि ये मुल्क का मुस्तकबल संवार सकते हैं, अगर ये पर्ची उनके लिए डालेंगे तो ये कामयाबी की तरफ जाएगी। और ये आपका वोट आप मत समझिए कि आपको इसका हिसाब नहीं देना होगा। रोजे मैशर के दिन आपको अपने वोट का हिसाब देना होगा। आपने अगर गलत लोगों को वोट कास्ट किया तो उसका हिसाब आपको देना होगा, क्योंकि उसने जितना अर्सा भी रहा, जैसे अभी सूद का मामला है, सूद का पूरे मुल्क के अंदर सूदी निजाम चल रहा है, और जितने कर्ज आप ले रहे हैं वो कर्ज भी जो है सारे सूद ही आपको मिल रहे हैं, और वो कई गुना बढ़ते चले जाते हैं। जो बैंक की तरफ जी बैंक से भी लेंगे, जो चीज लेंगे आप वो सूद पर ले रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और मैं वो हदीस को हराम फरमाया जी वो हदीस कोट नहीं करना चाहता हूँ, जिस हदीस में कहा है कि ये इतना बुरा फेल है कि आदमी ने माँ के साथ बुरा फेल किया, इतना बड़ा बुरा फेल है। तो इससे बचने के लिए हमारे मौजूदा हुक्मरानों ने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसके आड़े आए। और जिस भी जमात ने इसके लिए पिटीशन दाखिल की, उस पिटीशन को भी दूर करने की कोशिश की। तो जो लोग आप समझते हैं कि जो लोग इस काम के लिए काम कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए बराए मेहरबानी, और वो लोग कल आपका मुस्तकबिल बन सकते हैं। एक्सटेंड होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। सूद ऐसी लानत है
कि वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। सही, तो बच्चों ने जो है पसीने में बैठ के पेपर्स दिए। जी जी, मुझे ये बताएं, मेरा एक सवाल है जो कि मेरा नहीं बल्कि सबका यही एक सवाल होगा। हम अक्सर देखते हैं, मतलब हर साल देखते हैं, जब मैट्रिक के एग्जाम्स होते हैं यहाँ सिंध में, उससे पहले पेपर कैसे आउट हो जाता है? मैडम ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है इस कौम के लिए, इस शहर के लिए। मैं मुल्क की तो अभी बात करने नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कराची में बैठा हुआ हूँ इस वक्त। कराची की बात करने जा रहा हूँ कि इस वक्त जो हालिया इम्तिहान हुए, जो कल ही खत्म हुए हैं, तो उसमें 448 सेंटर बने, 448 सेंटर्स बनाए गए। हाँ। और जिसमें 3 लाख का उमेश, अगर मैं दुरुस्त हूँ, तो 3,65,000 बच्चों ने इम्तिहान दिए। 3,65,000 बच्चे जब इम्तिहान दे रहे थे, उसमें 66 भी सेंटर बने। ये तो हमारी हुकूमत को और हमारे बोर्ड को सोचना चाहिए कि 66 और फिर एक दिन में तब्दीली के साथ भी सेंटर्स बनाए गए, और फिर उनके अंदर ऐसे सेंटर्स भी थे कि जहाँ जैसे ही पेपर जाता था वैसे ही पेपर आउट हो जाता था। अच्छा, मीडिया अब इतना फास्ट हो चुका है, मैं तो अभी पहले इसकी बात करूँ, लेकिन उससे पहले ही जो सुपरिटेंडेंट के पास पहले पेपर पहुँचता है, वहीं से पेपर आउट हो जाता था। ये तो हमारी बोर्ड की नाहेली है, बोर्ड की कमजोरी है। और फिर ये जो सेल फोन आपकी जेब में मेरी जेब में मौजूद है, इसकी इजाजत देकर इसको ना रोकना, जबकि पाबंदी है, लेकिन उस पाबंदी पर अमल ना करना। एग्जाम्स में मुझे याद है कि आप कैलकुलेटर भी नहीं होता था। लेकिन अब मोबाइल फोन तक अलाउ हो रहा है। मोबाइल फोन के जरिए से जैसे ही पेपर आपको मिला, वो पेपर उसी वक्त, मेरे पास मोबाइल है, मैंने उसको चीट किया और भेज दिया बाहर। बिल्कुल, यही तो से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। ठीक है, वेयर्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और इस वक्त हम बैठे हैं हनीफ जदून साहब के साथ, और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे इनसे। और हम बात कर रहे थे ये जो मैट्रिक के एग्जाम्स के दौरान जो पहले पेपर आउट हो जाता है, आप इसमें कह रहे थे कि कराची सिंध की जो बोर्ड है उसकी ना अहली है ये। जी जी, तो आपको लगता है कि पेपर वहीं से जो है वो मतलब निकल जाता है बाहर? जी जी, पेपर पहले ही निकल जाता है, और जैसे ही पेपर सुपरिटेंडेंट, ये पहले पेपर सुपरिटेंडेंट के पास आते हैं, जो एरिया के सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो तकसीम किए हुए होते हैं, उनके पास जब पहुंचते हैं तो वहां से पेपर आउट होना शुरू हो जाता है। वो ऐसे लोग होने चाहिए जो ईमानदार हों, और जिन्हें ब्रीफ किया जाए कि भाई ये पेपर आपके पास इमानत आ रहा है, और आपको जिन जिन स्कूलों में पहुंचाना है वहाँ इन पेपर्स को आपको पहुंचाना है, इससे पहले कि आप उसको आउट करें। ये कौम के साथ जुल्म है, और कौम के बच्चों के साथ जुल्म है, तो लिहाजा इस जुल्म में आप हिस्सा ना बनिए, वरना अल्लाह के आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल, एक तरीका कार तो ये है। दूसरा ये है कि कानूनी तौर पर तो बच्चों पर पाबंदी लगाई हुई है कि मोबाइल फोन नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अक्सरियत बच्चों के पास मोबाइल मौजूद होते हैं, जैसे ही उनके पास 9 या 9:30 बजे पेपर पहुंचता है, विद इन 5 मिनट्स वो पेपर बाहर हो जाता है व्हाट्सएप के जरिए से। जब आपका पेपर बाहर हो गया, आपके पास व्हाट्सएप, आपके पास मोबाइल फोन मौजूद है, तो बाहर जिन जिन के साथ, जिन लोगों के जो लिंक्स होते हैं, उनके उन लिंक्स के जरिए से वो पेपर उनको वापस आना शुरू हो जाता है विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर, क्योंकि गाइड्स को सहारा लिया जाता है। कुछ लोग तजर्बाकार होते हैं, वो अपने तजर्बाकारी की बुनियाद पर उन पेपर्स को वापस बच्चों को देते हैं। अब आप बताइए कि ये बच्चे कल के इंजीनियर या डॉक्टर्स तो यकीनन बनेंगे, वो अच्छे हाथों से बनेंगे या गलत हाथों से बनेंगे, लेकिन बहरहाल वो बन जाएंगे। तो कल आपके मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, बड़ा ताबनाक होगा और बड़ा खौफनाक होगा। कल वो इंजीनियर जिसने पढ़ा ही नहीं है, या वो डॉक्टर जिसने पढ़ा ही नहीं है और उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, वो क्या इलाज करेगा? वो फेफड़ों की जगह दिल का इलाज कर देगा, दिल की जगह फेफड़ों का इलाज कर देगा, आपका बेड़ा गर्क कर देगा। और ऐसे कई केसेस हमारे सामने आते हैं, हम सुनते हैं में भी, क्योंकि डॉक्टर्स की गफलत से बहुत जाने जाती हैं, कैंची सीजर्स तक अंदर छोड़ दी जाती हैं ऑपरेट करते वक्त। तो ये वही जुल्म है जो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, प्रैक्टिस
ना करने की वजह से उन्होंने उनकी नाहलियत जो है वो पेशेंट भुगतता है। इसी तरह आप देखते होंगे कि कई पुल गिर गए कराची के अंदर, आपको अच्छी तरह पता होगा, मुशर्रफ दौर के अंदर पुल गिर गया, शेर शाह के अंदर, आखिर बनने के बाद पुल का गिर जाना इसका क्या माजरा था? इसका माजरा यही था, या तो उसके अंदर कंक्रीट प्रॉपर उसको सेटिंग नहीं की गई, या उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर नहीं की गई, कोई चीज तो उसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पुल गया। ऑब्वियसली जब आप अपनी कंप्लीट पढ़ाई और अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसी तरह के तबाहियां और तबाहकारियां होंगी। तो लिहाजा मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इन बच्चों को, ये फूल जैसे बच्चे आपके पास लोग इमानत छोड़ते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा। अब प्रॉब्लम तो ये भी हमारे यहाँ हो गया है कि तालीम बट गई है, तालीम पीले स्कूलों में बढ़ गई है, प्राइवेट स्कूलों में बढ़ गई है और हाई क्लास स्कूलों में बढ़ गई है। अच्छा, हाई क्लास कोविड के अंदर भी हाई क्लास स्कूलों के लिए तो कोई मसला नहीं था, उनके पास तो ट्यूटर भी थे लाखों रुपए देने के लिए, उनके पास तो नेट फैसिलिटीज भी थी, क्लासेस भी चल रही थी, लेकिन मसला जो है वो लेस प्रिविलेज एरियाज के लिए है और आपकी अक्सरियत आबादी जो है, आपकी अक्सरियत स्कूल जो है वो लेस प्रिविलेज एरिया में है। जब आपके स्कूल लेस प्रिविलेज एरियाज में है तो आपको इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। या तो आप सबको फैसिलेट कीजिए, इतना अपना मियारे तालीम इतना बेहतर कीजिए, तो उसके लिए वही लोग कर सकते हैं जो दर्द दिल रखते हैं, दर्द दिल के बगैर इसको करना जो है बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एहसास जो होता है वो जिंदगी में किसी भी चीज का होना बहुत जरूरी होता है, लाजमी है। इंसान के अंदर अगर एहसास नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। बिल्कुल, हमारे ये जो बच्चे हैं, मैं वही बात करती हूँ, अगर पेरेंट्स को सबसे पहले तो देखना चाहिए कि घर से अगर बच्चा जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, फोन उसके पास क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट बिलीव ऑन दैट कि पहले पेरेंट्स को देखना चाहिए और उसके बाद टीचर्स को बहुत नोटिस करने की जरूरत है। ये जो तब्दीली है अगर हमारे माशरे में आ गई तो इंशाल्लाह ना फिर किसी मरीज की अंदर कैंची रह जाएगी, ना फिर कोई पुल गिरेगा। अभी आप मुझे बताएं, आपका जो इदारा है और क्या फैसिलिटीज दे रहा है स्कूल्स को? हम स्कूल को टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। ताकि कल बेहतर टीचर्स पैदा हो सकें। okay. वो बच्चे को जो पढ़ाना है, जो उसको सिलेबस डिजाइन करके दिया गया, उसको बेहतर अंदाज में पढ़ा सकें। और हर इदारे के लिए टीचर ट्रेनिंग जो है वो इंतहाई जरूरी है, जो कि बहुत सारे इदारों में ऐसा नहीं हो रहा। आप टीचर्स को ट्रेन करते हैं स्कूल्स में जॉब के लिए उनको ट्रेंड करते हैं, इसलिए कि बच्चे को पढ़ाना क्या है। आप मेरे इल्म में कोई चीज होगी नहीं और मुझे किताब उठा के दे दी जाए अनट्रेंड को, क्योंकि हमारे यहाँ तरीकाकार ये है कि वो फर्द इस शोबे से ताल्लुक रखने आते हैं जो बिल्कुल बच्चे खुचे रह जाते हैं, जो डॉक्टर भी बन चुके होते हैं, जो इंजीनियर बन चुके होते हैं, जो पायलट भी बन चुके होते हैं, अब आखिरी मेटेरियल जो बाकी बच जाता है वो टीचिंग के शोबे में हमारे यहाँ लोग भेजते हैं। जबकि मुझे हिटलर की ये बात बड़ी अच्छी तरह याद है कि हिटलर के जब जंग हो रही थी तो उसके लोगों ने उसे कहा, उसके जर्नैलों ने उसे कहा कि हम बड़ी बुरी तरह तबाह हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है। हाँ। तो हिटलर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, किसी तरीके से उस्तादों को, टीचर्स को बचा लीजिए, ये कल के मुस्तकबिल हैं, ये और कौम तैयार कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ कौम को तबाह किया जा रहा है, हमारे यहाँ टीचर्स भी वो आ रहे हैं। हाँ। जो मतलब सब चीजों से बच कर रह जाते हैं, वो हमारे यहाँ टीचर्स आ रहे हैं। हमारे यहाँ इदारे होने चाहिए, गवर्नमेंट सतह पर इदारे होने चाहिए कि जो टीचर्स को ट्रेन करें और टीचर्स को बताएं कि आपने पढ़ाना क्या है, ताकि हर एक अपने अपने हिसाब से टीच ना कर रहा हो, वो प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन जो टीचिंग की है उसको अपना रहा हो, ताकि कामयाबी और कामरानी के दरवाजे हमारे लिए खुलते चले। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो है यंग जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली जो खुद पढ़ रहा है वो किसी को कैसे पढ़ा सकता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं अक्सर सुनती हूँ और देखती भी हूँ कि एक बच्चा है वो मतलब सेकेंड ईयर में है, वो मैट्रिक के बच्चे को पढ़ा रहा है। ये बात चलो समझ में आती है कि उसने पढ़ा है तो वो पढ़ा रहा है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एरियाज में हैं, वहाँ पे यू वॉन्ट बिलीव दैट कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, टीचर्स जो होती हैं वो बच्चियों से, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ मैं, बच्चियों से सब्जियाँ बनवा रही होती हैं स्कूल टाइमिंग में, क्योंकि वो खुद पांचवी पास होती हैं। ठीक है, घर से वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई होती हैं, वहां आके बैठ के वो बच्चियों से अपने सारे दस्तकारी करवा रही होती हैं, सलाइयां करवा रही होती हैं, घर के काम करवा रही होती हैं, चीजें मंगवा रही होती हैं। ये सारे काम इंटीरियर्स में हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं।
ये सिर्फ इंटीरियर्स में नहीं, पंजाब में भी, मैं आपके आपको पंजाब के भी स्कूलों का ये हाल बता रही हूँ। तो इस तरह से गवर्नमेंट स्कूलों में अगर जॉब्स मिलने लग गई हैं, तो आप मुझे बताएं कि जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं वो बेचारी वहां पे भी घर के ही काम कर रही हैं, उनका माइंड फिर कैसा होगा? उसकी वजह ये है कि उनकी तरबियत नहीं की जा रही, जो मैंने अभी कहा कि एजुकेशन वैसे ही नहीं आ जाती जब तक उसको कोई ट्रेंड नहीं करेगा किसी काम के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के सेंटर्स खोले। सबसे पहले जब जैसे टीचर अपॉइंट होती है, टीचर को अपॉइंटमेंट के बाद उसको ट्रेनिंग सेंटर्स दे। बट मेरा सवाल ये है कि एक पांचवीं पास होती हैं, वो डिग्री उनकी जली होती है, तो वो जो है उस तरह के जो उस्ताद होते हैं, क्या वो बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं, स्पेशली लड़कियों को? देखिये मैडम, जब मुझे एक चीज पता ही नहीं है, हाँ, मैं अपने ऊपर बात लेता हूँ, हाँ, मेरे पास जाली डिग्री है, मुझे पता ही नहीं है, और मेरे आगे 50-55-100 बच्चा बैठा हुआ है, हाँ, तो मैं उनके साथ खेलूंगा यकीनन, सही, मैं उन्हें पढ़ा नहीं सकूंगा। सही, वो लड़की हो, खातून हो या मर्द हो, दोनों के साथ यही कैफियत होगी, और बिलखसूस हमारे साथ गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक है, जब ऐसा हो रहा है तो ये कौम के साथ मजाक हो रहा है, कौम के बच्चों के साथ मजाक हो रहा है, और ये बच्चे आपके पास वो पढ़ने आते हैं जिन बेचारों के पास फंड नहीं है, जिनके पास बच्चों को आपके बड़े स्कूलों में इलीट क्लास स्कूलों के अंदर पढ़ाने की ताकत और सलाहियत नहीं है, तो तब वो बच्चे आपके पास आ रहे हैं। अगर उनके पास ये सलाहियत होती तो वो कभी भी आपके पास ना आते पढ़ने। आपको क्या लगता है कि अभी फौरन से पहले इलेक्शंस होने चाहिए? देखिए जी, जरूरत तो इस बात की है कि जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ऐद लेकर आई थी कि हम तो अपने कपड़े भी बेचकर जो है वो मुल्क को संवारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो शायद ये बात वो हम समझने में शायद गलती करके उन्होंने आपके कपड़े उतरवा कर हम काम करेंगे, मेरा तो ख्याल ये है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन का होना अजहद जरूरी है, इसलिए कि ताकि अवाम ने अब सब पार्टियों को देख लिया, अवाम के सामने है, कोई ढकी छुपी बात किसी की नहीं है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। तो अब जो इसमें बेहतर पार्टी मौजूद है, ताकि उसको मौका मिले, और उसको मौका देना चाहिए ताकि बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर लोग सामने आ सकें। और फिर भी अगर ये आवाम अच्छे लोगों का इंतखाब नहीं करती, उन्हीं में से किसी एक का दोबारा इंतखाब करती है, तो फिर इस मुल्क के साथ बड़ा भयानक होगा, और ये हम सारी जिंदगी समेट नहीं सकेंगे, लेकिन मुमकिन है कि उनके साथ भी भयानक हो, जैसा अभी दूसरे कंट्रीज के अंदर हुआ जो आपके सामने है, क्योंकि वज़रा ने किस तरीके से वज़रा को मारा और किस तरीके से वज़रा को निकलना पड़ा, मुल्क को छोड़ना पड़ा। तो आज हमारे यहाँ भी कैफियत कुछ इसी तरह की नजर आती है, अगर इनके लल्ले तल्ले इसी तरह जारी रहे तो मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर नहीं होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर अवाम जो है किसी नए बंदे को सिलेक्ट कर भी लेती है या उनको वोट डाल भी देती है, आपको नहीं लगता ये वोटिंग में धांधली हो सकती है, दोबारा से हो सकता है वही अपनी दोबारा से वही वोटिंग लेकर आ जाए और फिर से पीएम बन जाए? ये बात तो अपनी जगह, अवाम ऑब्वियसली, अब आपने भी बोला अवाम ने सब कुछ देख लिया है, ठीक है, वो तंग आ चुकी है, और अगर वो तीसरे बंदे को चुन ही लेती है, अगर वोटिंग में वो मसला हो गया, धांधली हो गई, फिर क्या करेंगे आप? मैडम ये तो लम्हा फिक्रिया होगा इस कौम के लिए, ठीक है जी, और ये फिर लम्हा फिक्रिया होगा जब वही लोग अगर दोबारा आएंगे, क्योंकि मैन पावर, कुवत, फंड, पैसा सब इन लोगों के पास मौजूद है, और उसी की बुनियाद पर ये धांधलियां करवाते हैं। हमने अपने शहर के अंदर डब्बे भरते हुए देखा है, वोटर्स वोट डालने गया, पता लगा है कि वो वोट दे चुका है पहले से, वोटर मरा हुआ कब्र के अंदर मौजूद है, पता लगा कि उसने वोट दिया हुआ है, ये वाकई में इस शहर के अंदर ये हो चुका है, डब्बे किस तरीके से भरे गए। अब अवामी कुवत अगर बाहर निकलती है तो ये बहुत बड़ी कुवत है, अवाम अपनी कुवत को पहचाने, अगर अवाम अपनी कुवत को नहीं पहचानती है तो फिर तो इन्हीं अल्लाह तल्लों के जरिए से हुक्मरानियां होती रहेंगी। नहीं तो अगर धरने दिए जाएं और इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाए, आपको नहीं लगता उसमें अवाम को ऑब्वियसली अपनी जान का भी खतरा हो सकता है? जी खतरा तो मोल लेने पड़ेंगे, अभी जो आपने फॉरन में देखा किस तरीके से उन्होंने वजीरों को मारा, किस तरीके से उन्होंने नंगा कर दिया वजीरों को, ठीक है जी, लेकिन वो एक कुवत बने, और कुवत बनने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो जब आदमी प्रोटेस्ट करने जाता है तो खतरात तो सारी चीजें सामने रख के जाना पड़ता है कि कोई आगे हलवा तो रखेगा नहीं कि ये हलवा है, तो अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए, कौम को बनाने के लिए जो भी लीडर्स आगे आएंगे उनको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बगैर बिल्कुल जी, आगे हम यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हनीफ साहब के साथ बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं। आवाम को लेकर हम बात कर रहे थे कि मेरा ये सवाल है, खान साहब ने पहले जो बायोमेट्रिक का सिस्टम जो है चलाया था, उन्होंने वो लेकर आए और ये वाली जो हुकूमत आई, इन्होंने आते ही सबसे पहले वो सिस्टम खत्म किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, वो अच्छा था या ये अच्छा है? देखिए मैडम, सिस्टम कोई भी नया लाया जाए वो अच्छा होता है, अब उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा ये डिपेंड हम पे करता है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, कल आप अमेरिका में या फ्रांस में या यूरोप में बात नहीं कर सकते थे आसानी के साथ, आज आप एक कॉल में लाते हैं जहाँ भी आपके अजीज हैं, यूरोप में हैं, फ्रांस में हैं, जर्मनी में हैं, जहाँ भी हैं, फौरी तौर पर ऑडियो वीडियो सब चीजों से आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन उसी मोबाइल को आप गलत वे में गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो आप गलत चीजें भी उसके अंदर देख सकते हैं। इसी तरीके से जो सिस्टम लाया जा रहा था, मैं तो समझता हूँ वो सिस्टम अच्छा था, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग जिन लोगों के पास थी वो अच्छी नजर नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसकी मिस ऑपरेटिंग हो सकती थी। और उन्होंने कोशिश की एक अच्छा काम करने की, लेकिन मुझे लेकिन उसके साथ उनकी एक गलती भी है, बड़ी गलती क्या? कि उनकी बड़ी गलती ये है कि उन्होंने असेंबलियों से अपने आप को बाहर कर लिया। आज हिज़्ब इख्तलाफ असेंबलियों में मौजूद नहीं है, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब मेरे इल्म में आया है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि हम असेंबलियों में इन हों, और जरूरत इस बात की है कि उन्हें असेंबलियों के अंदर इन होना चाहिए, ताकि उनकी नजर में जो गलत काम हो रहा है, भले वो गलत हो रहा है, सीवरम इस बहस में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकने की ताकत तो होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि उनको असेंबलियां छोड़ के नहीं जाना, नहीं जाना चाहिए। तो वो मेरे इल्म में ये बात आई है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है वो जल्द फैसला कर लें कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का तूफान बढ़ता चला जा रहा है, हमें कम अज कम अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए और हमें वहाँ बैठना चाहिए। आपको लगता है उनको असेंबली छोड़ के नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। देखें, जहाँ दो पहलवान लड़ रहे हो, एक पहलवान अगर बाहर ही हो जाए तो दूसरा ऑलरेडी विन। बिल्कुल, अब दोनों पहलवान लड़ रहे हैं, ठीक है, एक की ताकत ज्यादा होगी, एक की ताकत कम होगी, लेकिन किसी हद तक वो अपना मुकाबला तो करेगा दूसरा पहलवान जो भी मौजूद है। तो इनकी जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ जब तक ये असेंबलियों में रहते हैं, और मुमकिन है कि जब ये लोग आए असेंबलियों के अंदर तो ये लोग भी जल्दी सोचें, क्योंकि इन्होंने भी कोई काम अपने लिए बेहतर नहीं किया है, वो कौम को सोचने के लिए इन्होंने भी अच्छा कर दिया कि इनको किसने मशवरा दिया था कि खान साहब की हुकूमत को 3.5 साल बाद तोड़ दिया जाए और हमें लाया जाए, क्या इनको ये चीजें नजर नहीं आ रही थी? तो इन्होंने अपने लिए खुद कुआं खोदा है और उस कुएं में खुद गिरे हुए हैं। इस वक्त सारे मुजरम सारे सामने हैं कि हमने क्या किया, कौम के साथ हमने क्या क्या मजाक किए, और कौम फिर इन लोगों से इनके मजाक और इनके झरोकों में आ जाती है। ये बात सिर्फ मैं सॉरी आई इंटरप्टेड यू, ये पाकिस्तान ही नहीं, ये पूरी दुनिया बात जानती है इन लोगों ने जो जो किया। जी जी, पूरी दुनिया जानती है, और जो ब्लॉक बना है वो भी पूरी दुनिया जानती है कि आखिरी टाइम पर अभी ये पेट्रोल जो है क्या रशिया से आसान एक साथ पर नहीं ले सकते थे, इससे कम रेट पर नहीं ले सकते थे, लेकिन वो इनका ब्लॉक नहीं है, वो इनका ब्लॉक जो है अमरीका ब्लॉक है, वो IMF के जरिए से भी दबा रहा है, वो पेट्रोल के जरिए से भी दबा रहा है। और इमरान खान को एक बात जो भुगतनी पड़ी वो यही कि आखिरी टाइम पर जो रशिया ब्लॉक की तरफ गया, वहां से हमें बड़ा इजीली बहुत सारी चीजें कट डाउन पर मिल सकती थी, गंदम कट डाउन पर मिल सकती थी, बहुत सारी चीजें, ये गैस जो है, ये गैस के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं और जो अभी प्रॉब्लम आ रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम तो इसकी वजह से भी जनरेट हुए, जो आपके तेल घी ये सारी चीजें महंगी हुई है, जो गैस महंगी हुई है। तो अगर हम इस तरफ चले जाते और अगर इस वक्त सोचना ये चाहिए था कि हमने ब्लॉक नहीं देखने थे, हमने अमेरिका और रशिया को नहीं देखना था, हमें कहां से कौन किस मद में कितनी चीज बेहतर दे सकता है, हमें वो फैसला करना चाहिए। बिल्कुल, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उस चीज की बात कर रहे हैं कि जो PM होता है, मतलब उससे हमारी कौम को या हमें कितना फायदा हो रहा है, हम इस चीज को देखते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है खान साहब की हुकूमत थोड़ी बेहतर थी इनसे? नहीं, मुझे तो दोनों ही बराबर लगते हैं। अच्छा, लेकिन उनमें और आज में बहुत फर्क है, देखे ना सबके रेट। ये लोग तो यही कहते हैं, जो मेरा इख्तलाफ भी है, ये लोग यही कहते हैं कि वो ये डील कर गए थे IMF से, और अगर वो भी रहते, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी, जब वो इस तरह की डील इनको पता, और इन सबको पता, जब मेरे जैसे आदमी को पता है तो क्या ये इतने बड़े बड़े सियासतदान इनको पता नहीं था? बिल्कुल, इनके नोटिस में होगी बात, बिल्कुल नोटिस में था, तो इस डील का हिस्सा क्यों बने?
इन्होंने अमेरिकन ब्लॉक को क्यों सपोर्ट की, तो जब सपोर्ट की, जब गंदे में गंदगी में हाथ डाला तो गंदे गंदे तुम भी उसी को गंदा होने देते। तो आज इमरान खान का गिराफ पहले के मुकाबले जो कम हुआ था वो फिर बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इनकी वजह से। तो कौम कहीं फिर धोखा ना खा जाए, मेरा तो ये कहना है, कौम अगर धोखा खाएगी तो कौम को सजा ऐसी मिलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बात थी तो फिर खान साहब जो है वो आपको क्या लगता है अमेरिका के खिलाफ क्यों बोल रहे थे? इसलिए मैंने कहा ना, वो इस साइड पे चले गए थे शुरू में, उधर वही साइड थी, लेकिन आखिरी टाइम पर उन्हें कोई ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी, उन्होंने कुछ सोचा कि भाई वहां से मैं ये कप खरीद रहा हूँ और इस कप की कीमत जो है $1,000 है और यहाँ से ये कप मुझे $500 में मिल रहा है, तो मुझे $500 वाला सौदा करना चाहिए। और उनकी भी जरूरत है, हम कहें कि हमारी जरूरत नहीं है, वो उनकी भी नजरें हमारे पानियों पर लगी हुई है और यहाँ से उनकी आसान सर्कुलेशन हो सकती है उनके बिजनेस की। अच्छा। जो हमारे पानियों पर, ग्वादर पर इधर उधर लगी हुई है, और वो चाइना और रशिया के लिए हम बेहतरीन मवाद, हम उनको, वो हमें बेहतरीन मवाद दे सकते हैं, हम उन्हें बेहतरीन मवाद दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम मोस्टली हमारी हुकूमतें जो अमेरिकन ब्लॉक्स में रही हैं, तो अमेरिकन ब्लॉक्स की वजह से हम इस तरफ जाते नहीं हैं। जो भी इधर जाने की कोशिश करता है उसको गंदा किया जाता है, और बिलाखिर ये हुकूमत भी जो मेरी नजर में बनी ये अमेरिकन डॉलरों की वजह से बनी। अच्छा। डॉलरों की भरपूर मार की गई, लोगों को खरीदा गया, लोगों को तोड़ा गया, इन्हीं के खान साहब के लोगों को तोड़ा गया जिनकी तादाद 25-30 बनती है, और उनको तोड़ने के बाद जो है हुकूमत को, उस हुकूमत को खत्म किया गया, इस हुकूमत को लाया गया। तो इतना सब कुछ ऑब्वियसली सारी आवाम देख रही है, हमें भी पता है, आपने भी देखा है, इन सब के बाद जो है आवाम का रद्द अमल क्या होना चाहिए? हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? हमें हर वो अमल करना चाहिए जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो सके, हमें हर वो अमल करना चाहिए जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके, हमें हर उस अमल के अंदर जाना चाहिए, हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि ये आवाम इस काबिल अब नहीं रही जो तुम लोगों ने इसको पीस दिया है, हम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े होंगे, और ये तुम्हारी जो अपने लिए जो तुम्हारे महल जो है, कहीं सिरे महल है, कहीं कहां पर महल बनाया हुआ है, ये तुम लोग ने अपनी याशियों के लिए अल्लाह तआला सारे शुरू किए हुए हैं। हाँ। ये खत्म करने होंगे। हमें ऐसे हुक्मरानों की जरूरत है जो इस हुक्मरान इस मुल्क की खिदमत कर सकें और हमारी खिदमत कर सकें, हमें इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच। मेरे शो का जो वक्त है वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन जाने से पहले शुक्रिया, आप हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को यही मैसेज है कि वो कौम का मुस्तकबिल है, कौम आइंदा मुस्तकबिल मुल्क का जो है वो उन्होंने बनाना है। मेरी उनसे मौदवाना गुजारिश है कि जो कुछ हो गया उसको भुला दिया जाए और आइंदा अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की जाए, या अल्लाह हम इस कर्म में आ गए हैं, या अल्लाह हम इन मसाइल का शिकार हो चुके हैं, अल्लाह ताला हम आपसे दुआ करते हैं कि हमें ऐसी क़ियादत फराम कर दे जो इस मुल्क को बेहतर रास्ते पर डाल सके और ये मुल्क कल की तरह सरसब शादाब हो सके, और हम अपना हिस्सा जो है इंशाल्लाह उस हुकूमत को देंगे जो हुकूमत हमारे लिए इस तरह के काम करेगी। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच जी। तो वेयर्स, ये थे मेरे साथ हनीफ रदून, इनके साथ तो बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी बातें की और बहुत कुछ जानने का भी मौका मिला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।